नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कई सारे टीचर्स ये सोचते हैं हमको भी डिजिटल बोर्ड चाहिए। कई सारे टीचर्स का सपना रहता है डिजिटल बोर्ड पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं रह पाता है पूरा, भी वो लोग डिजिटल बोर्ड खरीद सके। तो आज का टॉपिक है डिजिटल बोर्ड आप EMI पर कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कई सारे टीचर्स कहते हैं सर EMI पर मिलना शुरू हो गया है, आप वीडियो में बताए हैं, तो पूरा वीडियो को देखिएगा तब पता चलेगा कि कैसे लेना है, ठीक है, किस स्टेप से मिलता है, सारा जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, A to Z जानकारी, जिससे कि आप लोग को EMI पे मिल सके, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे EMI पे यदि बात की जाए तो कई सारे प्रोडक्ट मिल भी रहे हैं और कई सारे प्रोडक्ट EMI पे नहीं भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे डिजिटल बोर्ड जो है इतने दिन से EMI पे क्यों नहीं मिल रहा था और अभी किस स्टेप से मिलता है, सारा जानकारी। इसलिए वीडियो को आधा नहीं देखिएगा, ठीक है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग कहा गया, कम ज्ञान का खतरनाक होता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको पूरा पता चल जाएगा हाँ इस स्टेप से EMI पे मिलता है। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई सालों से स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं, हम लोग टीचर्स को ऐप बना के दे रहे हैं, वेबसाइट बना के दे रहे हैं, और डिजिटल बोर्ड यदि आप ले भी लिए हैं तो आपको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा भारी लगता होगा। हम लोग टीचर्स को नोट्स बना के दे रहे हैं, PDF PPT सारा काम टीचर्स का हम लोग यहाँ से करके देते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस नंबर को नोट कर लीजिए, 9973725719, ठीक है। इस नंबर को जैसे ही नोट कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। किस नाम से नोट करना है सर, क्रिएटर्स माइंड के नाम से, ठीक है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से इसको आप सेव कर लीजिए, जिससे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए, ठीक है। अब देखिए EMI की यदि बात की जाए तो बहुत सारा इसका साधन है EMI का, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला क्या चीज़ है, यदि आप लोग EMI लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं, ठीक है। सब कुछ बताएंगे, ऐसा नहीं है तुरंत ये चीज़ समझे और चल गए, अच्छा क्रेडिट कार्ड से सिर्फ मिलेगा, सारा चीज़ बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से क्या ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप लोग डायरेक्ट EMI ले सकते हैं, इससे आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट EMI आप लोग इससे काम कर सकते हैं। दूसरा आपका है, ठीक है, दूसरा है आपका यदि सैलरी अकाउंट है, क्या है आपका यदि सैलरी अकाउंट है तो उससे भी आपका EMI बन जाएगा, ठीक है। उससे भी आप लोग सैलरी अकाउंट से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, EMI ले सकते हैं। तो पहला हो गया आपका क्रेडिट कार्ड से, दूसरा हो गया आपका सैलरी अकाउंट से, तीसरा जो सबसे चीज बढ़िया है वो है PM मुद्रा लोन, ठीक है, PM मुद्रा लोन। एक मिनट, थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, स्पेलिंग समय थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए उसको, ठीक है। PM मुद्रा लोन मतलब हैंड राइटिंग में दिक्कत होता है, उस चीज़ को देख लेना आपको। क्रेडिट कार्ड, सैलरी अकाउंट, PM मुद्रा लोन, यदि ये तीन चीज़ है तो तीन चीज़ में आप क्या कर सकते हैं, EMI पे ले सकते हैं, ठीक है, और वैसे EMI पे नहीं ले सकते हैं। अब चलते हैं क्रेडिट कार्ड, अब देखते हैं पहला क्या है आपका, पहला पॉइंट है क्रेडिट कार्ड, CC जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। तो अब देखिए क्रेडिट कार्ड का क्या होता है, लिमिट होता है, क्रेडिट कार्ड का क्या होता है, एक लिमिट होता है। तो आपको जितना भी लिमिट होगा उस हिसाब से प्रोडक्ट ले सकते हैं। किसी का क्या होता है 1,00,000 रुपये का लिमिट होता है क्रेडिट कार्ड पर, तो आप 95,000 इससे आप काम कर सकते हैं, 95,000, तो इसका आपका EMI बन जाएगा, 95,000 इससे आप कटा सकते हैं और आपको पेमेंट देना पड़ेगा। सपोज दैट आपका 1,00,000 का सामान होता है, चाहे 1,50,000 का, तो 1,50,000 में 95,000 इससे मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड से और आपको 55,000 पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रेडिट कार्ड से। आप हो सकता है बहुत सारे टीचर्स क्या किए हैं, 2-2, 3-3 क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं, उससे ही प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो आप कोई भी चीज करके, आपको सपोज दैट 1,50,000 का सामान होता है टोटल, ठीक है, तो आप 2 क्रेडिट कार्ड भी से ले सकते हैं, या आपके दोस्त के पास और है तो 3 क्रेडिट कार्ड मिला के ले लीजिए, क्योंकि शुरू शुरू में कम लिमिट होता है। सपोज 1,50,000 है तो सब में 50,000 लिमिट है, तो 3 कार्ड से आपका हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ले सकते हैं, पहला क्या हो गया क्रेडिट कार्ड से, दूसरा है आपका सैलरी अकाउंट। ठीक, सैलरी अकाउंट से क्या है, दूसरा आपका क्या है, सैलरी अकाउंट से डायरेक्ट लोन मिल जाता है, ठीक है, सैलरी अकाउंट से जिस भी बैंक में आपका खाता है, सैलरी जिसमें आता है उससे आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाता है वहाँ पे। जैसे ही बैंक में दीजिएगा आप लोग, हम लोग कोटेशन बना के आपको भेजेंगे क्या क्या आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या प्राइस लगता है, उसके बाद जैसे ही बैंक में जाइएगा आपको तो उस टाइप से बांध दिया जाएगा, जहाँ 3,000 रुपये आपका मंथली कटेगा या 4,000 कटेगा, जिस हिसाब से आप उसमें कट करवाना चाहते हैं उस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या तरीका है, तीसरा आपका है PM मुद्रा लोन। क्या है, PM मुद्रा लोन, ये है तीसरा तरीका, ठीक है। इसमें क्या चीज है, इसमें बहुत सारे टीचर्स जो अभी हाल फिलहाल में, जैसे हम डिजिटल बोर्ड पे EMI के लिए वीडियो बनाए थे बहुत पहले, 4-5 महीने पहले, उससे कई सारे टीचर्स को हेल्प मिला है। तो PM मुद्रा लोन ये गवर्नमेंट का स्कीम है, गवर्नमेंट का सरकारी योजना है, ठीक है, जिसके तहत आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए तहत बिजनेस के लिए लोन मिलता है, बिजनेस के लिए, किस चीज के लिए, बिजनेस के लिए लोन मिलता है, और बहुत कम, यही लोन क्यों लें तो बहुत कम इसका इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। सब कुछ पे डिपेंड करता है इंटरेस्ट, इसलिए ये आपको बैंक ही बताएगा कितना इंटरेस्ट होता है, लेकिन बहुत कम इसका इंटरेस्ट होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या देंगे आपको, कोटेशन बना के देंगे,
कोटेशन कहने का मतलब होता है कौन सा प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है। ठीक है, सपोज दैट आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, ठीक है डिजिटल बोर्ड, दूसरा नाम में आप कैमरा ले रहे हैं, ठीक है, कोई सिर्फ डिजिटल बोर्ड ही लेंगे, कोई सिर्फ कैमरा ही लेंगे, या कोई पूरा स्टूडियो लेंगे, तो उस हिसाब से हम आपको प्राइस का कोटेशन बना के भेजेंगे जो हाँ डिजिटल बोर्ड आपका एक्स अमाउंट में मिल रहा है, ये आपका वाई अमाउंट में मिल रहा है, टोटल जोड़ के आपका जो है एक्स वाई हो गया, मतलब जो भी चीज़ है आपको हम बना के भेजेंगे, उसको आपको बैंक में लेके जाना है, समझिएगा इस पॉइंट को, उसको क्या करना है आपको बैंक में ले जाना है। कहाँ बैंक में? जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको लेके जाना है। किसको लेके जाना है? कोटेशन को लेके जाना है। जैसे ही कोटेशन को आप अपने बैंक में लेके जाइएगा तो वहाँ बैंक के जो भी कर्मचारी हैं, कैशियर होंगे, मैनेजर होंगे, जिससे, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं सर मेरा ये कोटेशन है और हमको जो है एक लोन चाहिए जिसका नाम क्या है पीएम मुद्रा लोन चाहिए, तो वो आपको बताएंगे, सारा जानकारी बताएंगे जो हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें होता है, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो बताएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लगता है और बैंक पासबुक का आपका स्टेटमेंट लगता है, ठीक है। तो उसमें ये सब चीज़ होने के बाद 15 से 20 दिन का क्या होता है प्रक्रिया होता है, 15 से 20 दिन के अंदर आपका खाता में पैसा आ जाएगा। जैसे ही खाता में पैसा आ जाएगा तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं। अब कोटेशन आपको अच्छे से बनवा लेना है, कैसे बनवाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक है। कोटेशन आपको अच्छे से बनवा लेना है, 15 से 20 दिन का प्रक्रिया होता है, ये आपका लोन मिल जाएगा। लोन लेते समय जो भी चीज़ें जानकारी आपको नहीं होगा तो आप हमें कॉल करिएगा, ठीक है। और आप समझ लीजिएगा लोन लेते समय ही कितना परसेंट का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना दिन के लिए हुआ, ठीक है, ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, कितना आपका ईएमआई बन रहा है, ये सारा चीज़ आपको बैंक ही बताएगा। और लोग क्या करते हैं, गड़बड़ी हड़बड़ी में वहाँ से तुरंत गड़बड़ा देते हैं, मतलब ज़्यादा स्पीड से रहते हैं, लोन मिल गया पढ़ा रहे हैं उसको पता ही नहीं है। तो सारा पॉइंट को समझना है, यदि आप लोग इतना प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कितना परसेंट इसका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। दूसरा आप समझना है कितना दिन में चुकाना है लोन को, तीसरा समझना है कितना कितना मंथली देना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको वहाँ पे समझ के अच्छे तरीके से कर देना है, ठीक है। यदि लोन नहीं चुकाइएगा तो जानते ही हैं बाउंस बैक ये हो जाता है उसमें, मतलब ये हो जाएगा आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह कम हो जाएगा, बहुत सारा तरीका है जो सरकार का, वो लोन आपसे ले ही लेगा लेकिन बहुत ज़्यादा ले लेगा टैक्स। इसलिए सारा पॉइंट को पहले ध्यान में देना है, जिस भी अकाउंट में आपका है, मतलब जहाँ भी बैंक में अकाउंट है, तो 15 से 20 दिन का प्रक्रिया होता है, इसमें सब अच्छे समझना है, परसेंटेज कितना लगेगा, कितना दिन में चुकाना है, सारा चीज़ को, तब जाके लोन लेना है। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, पीएम मुद्रा लोन से, क्रेडिट कार्ड से, और जो भी आपका सैलरी अकाउंट है सैलरी अकाउंट से, ये 2-3 जगह से आप लोग आसानी से ले सकते हैं। कई सारे टीचर्स का पीएम मुद्रा लोन हुआ है और वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, कई सारे टीचर्स को 3 लाख रुपया मिला, कई सारे टीचर्स को 3.5 लाख मिला, कई सारे टीचर्स को 1.5 लाख मिला जो सिर्फ डिजिटल बोर्ड लिए, जिस हिसाब से वो चीज़ लेते रहे उसको उस टाइप से मिला है, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे पहले से ही आपका कार्ड पे लोन चल रहा है आपके ऊपर, तो हो सकता है वहाँ आपको नहीं मिले, तो आप मम्मी के नाम से ले सकते हैं, पापा, भाई, दीदी, किसी के नाम से ले सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन आप क्या कर लीजिए, इस नंबर पे कॉल करके हमसे कनेक्ट हो जाइए, 9973725719, इस नंबर पे कॉल कर दीजिए हमें, आप कनेक्ट हो जाइए और कोई भी जानकारी आपको लेना हो तो इससे हमसे ले सकते हैं। आशा करते हैं यह पोस्ट, ये जो है आपको वीडियो बेहतरीन लगा होगा।